एक माइक नाम का छोरा अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था साइकिल, तभी उसके हाथ में खून आता है। लेकिन वो देखता है, देखते देखते उसका खून गायब हो गया। तो वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए लाइटर से हाथ जलाता है, लेकिन उसकी लाइटर से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके दोस्त शौक हो जाते हैं। उसके बाद एक लड़का उसको रास्ते में रोक के पीटने की कोशिश करता है, जिससे वो उसके लकड़ा लेके उसके सर पर मारने की कोशिश करता है। लेकिन माइक के तो कुछ नहीं आता, लेकिन सामने वाले लड़के के मुंह में से खून निकलता है। वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी माइक को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, माइक की गर्लफ्रेंड को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। तो उनसे पंगा लेने तैयार रहता है। लेकिन जब भी वहाँ पे बीच में टीचर आ जाता है और टीचर उनको अलग कर देता है, भाई ये लड़ने का टाइम नहीं, हटो। लेकिन जब भी वो लड़का वहाँ से भाग रहा होता है, तो उसके साथ वाले जो उससे लड़ाई कर रहे थे स्पोर्ट्स कार लेकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन माइक जैसी साइकिल को उसकी टक्कर मारते उसके आदमी का सर फटके अलग हो जाता है। ये लड़का बैठ के घर पे अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। तभी इसके टीममेट बताते हैं कि शहर में ज़ॉम्बियों का आक्रमण हो गया था। उसके लिए टीवी चला के देखता है, लेकिन इसको विश्वास नहीं होता। फिर नीचे देखता था, इसके सामने वाले ऑफिस में बहुत सारे आदमी इधर उधर भाग रहे थे। तभी ये घर के सामने जो गेट लगा उसमें से देखता है, तो एक पड़ोसी इसका घर में घुस जाता है, इसको धक्का देने लगता है, इसके साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन ये चाकू की नोक को उसे भगाने से थोड़े समय में वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ये कैसे तैसे करके उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन उस समय के बाद उसके बाहर फेंकने के बाद ये गेट के सामने उसे फ्रीज लगाने के बाद ये अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण वो बात नहीं हो पाती, जिससे इसके घर वालों का मैसेज आता है कि हम सब यहाँ पर ठीक है, आप अपनी टेंशन मत लेना। तो ये अपने खाने को उसी हिसाब से बांट लेता है जैसे इसको बहुत ही रुकना होता है। लेकिन ये जब अपनी पोस्ट लोकेशन के साथ शेयर डालता है, जिससे टावर नहीं आ रहे थे, तो ड्रोन की मदद से उसको उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रोन के साथ साथ इसका फोन भी वहीं गिर जाता है। तो इसको समझ आ गया था भैया बाहर बहुत तगड़े हालत ख़राब हो गए, तो ये अंदर बैठे बैठे रोने लग जाता है। तब इसके दिमाग में दूसरा आइडिया आता है, अपने दूसरे फ़ोन से एक मैसेज आता है जिसका रिप्लाई करने की कोशिश करता है। उसमें सिर्फ उसके घर वालों की चीख आ रही थी, जिसके अंदर वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। दो पुलिस वाले हाईवे पे गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। उसे देख के एक पुलिस वाला बोलता है इसकी अंडर स्पीड थी, लेकिन दूसरा बोलता है चलो इसके पीछे गाड़ी भगाओ। और वो उसके पास ले जाके उस आदमी के पास रोक देते हैं और उससे चालान के लिए बोलते हैं, भाई तुम चालान कटाओ। लेकिन वो आदमी बोलता है मैं चालान क्यों कटाऊँ, मैं तो अंडर स्पीड था, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हारी मशीन ख़राब है। लेकिन बोलता नहीं तुम्हारी स्पीड 100 से ऊपर थी और मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो दूसरा आदमी कुछ नहीं बोलता, उसे पता था भाई इसकी कम है, लेकिन वो आदमी उससे जिद महज कर देता है। तब वो आखिर माँ के उससे बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम चालान काट ही दो। तभी वो पैसे लेने जाता तो वो देखता है कि उसके घर में या दुकान में या सॉरी गाड़ी में बहुत सारे हथियार पड़े। तो वो देखता है कोई नहीं, तो पुलिस वाला उसको बोलता है कि चलो ये चालान दे देना और फ्री हो जाना। चालान पकड़ाने के बाद वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो उस आदमी को बहुत तेज गुस्सा आता है, फिर वो अपनी गाड़ी में रखी स्नाइपर की तरह देखता है। तो वो क्या बस स्नाइपर से निशाना लगाता है, यहाँ पे एक गाड़ी पुलिस वाले जो चला रहे थे उसके स्नाइपर मारता, बस क्या उसके बाद खेल खत्म और आज तक उनका पता नहीं चला है।